है, जानबूझ के केंद्र सरकार इसको खराब करना चाहती है। इसको पूरी तरीके से जो नाकाम हो चुके, जनता की नजर में जो विफल हो चुके हैं, आज वो इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। तमाम समय समय पे नए नए षड्यंत्र पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि दिल्ली का और पूरे देश का वाल्मीकि समाज आज इस किसान भाइयों के साथ में खड़ा है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं, वाल्मीकि परिवार से मैं आता हूं, वाल्मीकि कम्युनिटी सबसे ज्यादा त्रिलोकपुरी में पूरे दिल्ली के अंदर आज मैं उस इलाके का नेतृत्व करता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे अपने आप को वाल्मीकि नेता कह के बीजेपी के वो सिखावे में आके अपने पूरे समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कोई भी वाल्मीकि भाई, कोई भी वाल्मीकि हमारे युवा इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये वही लोग हैं कि जो हमारे लड़कों को इस तरह के जो उड़दंगों के अंदर जिन मंदिरों की दुहाई देकर हमारे वाल्मीकि युवाओं के लड़कों को इस तरह के दंगों में फसादों में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं मरने के लिए, सबसे पहले हमारे ही लिए मंदिरों के दरवाजे बंद होते हैं। भाजपा सरकार है कि वाल्मीकि समाज में किसी पद देगा, हमें अपनी तरफ खींचना चाह रही। हम तो पहले तक किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और बाबा टिकैत ने हमारा पहले तक मामला चौधरी साहब के साथ में रहे हुए और किसानों के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष, किसानों के साथ ज्यादा रहे और आज भी किसानों ने हमारा पालन पोषण करा। वाल्मीकि समाज किसानों के साथ है। एक छोटा सा पद देकर हम सोच रहे वाल्मीकि समाज को इससे हटा देंगे, जाति सूचक बात करके लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। हम सब वाल्मीकि एक तरफ किसानों के साथ है, चौधरी साहब के साथ है और जिब्लो आंदोलन चलाएंगे, जिब्लो हम किसानों के साथ रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।